देवधर के छात्र का 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में 5वां स्थान आने पर विधायक श्यामलाल द्विवेदी द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ घर पहुंचकर दी बधाई एवं शुभकामनाएं। से सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की करी कामना। बीते दिवस एमपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत देवधर के चाकघाट स्थित सेंट मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा का 10वीं बोर्ड परीक्षा में 5वां स्थान आने पर आज विधायक श्यामलाल द्विवेदी द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर छात्रा को शुभकामनाएं देते हुए साल सिरप्रस्त से सम्मानित किया है। आगे की पढ़ाई को लेकर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वार्तालाप कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बता दें कि छात्रा कोमल कुशवाहा द्वारा 500 में 492 अंक हासिल करते हुए प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया गया था। यहां घर परिवार सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल व्याप्त है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष राजनारायण तिवारी, उमा शंकर केसरवानी, पंकज देव त्रिपाठी, अजय केसरवानी सहित परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे हैं। आज देवघर की छात्रा द्वारा पूरे प्रदेश में 5वां स्थान 10वीं में हासिल की गई और आपके द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार से क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात है। मेरे विधानसभा क्षेत्र देवघर 70 की ये बहुत ही गौरव का विषय है और प्रसन्नता का दिन है कि हमारी बेटियां प्रदेश में ये कोमल नातिन रिश्ते में मेरी नातिन होती है तो ये कोमल बेटी प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया। ये इसके माता पिता हमारे पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे ज़िले के लिए ये गौरव का विषय है और मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये बेटी इतना आगे बढ़े कि हमारे प्रदेश में ही नहीं पूरे ज़िले में इसका नाम रोशन हो और हम सब की त्योंथर की और पूरे ज़िले की पूरे देश में छाती गर्व से दूनी हो जाए, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बेटी के माता पिता को जिन्होंने ऐसी पुत्री को, पुत्री रत्न को जन्म दिया जिसने उनका नाम रोशन के साथ साथ पूरे हमारे क्षेत्र का, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये उनसे प्रार्थना करूँगा कि इस कोमल बिटिया के अलावा हमारे बराह गांव की दो बच्चियाँ और एक त्योंथर का ऋषभ बालक, वो भी टॉप किए हैं और अच्छे श्रेणी में आए हैं, इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके शिक्षा की व्यवस्था के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर प्रार्थना करूंगा कि इन्हें आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयत्न करें। जैसा कि देखा जा रहा है त्योंथर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से छात्र छात्राओं द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपना स्थान दर्ज कर रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो गुरु पहले माँ होती है फिर पिता होता है और जब इनको आश्रम में, विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है तो इनके पूर्ण रूपेण जवाबदारी गुरु की हो जाती है। ये हमारे बालक और बालिकाएं उत्कृष्ट स्थान प्रदेश में प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारे शिक्षा विभाग के आचार्यों का ये प्रदर्शन है कि हमारे बालक बालिका प्रदेश में टॉप स्थान प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी गुरु का यदि प्रतिबिंब देखना हो तो विद्यार्थी के चेहरे पर प्रदर्शित होता है। हमारे गुरुओं ने जो शिक्षा दिया, हमारे आचार्यों ने जो शिक्षा दिया, उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि हमारे त्योंथर के बेटे और बेटियां निरंतर आगे की ओर अग्रसित हो रहे हैं।